हमारी थोड़ी भी योद्धा अगर दाएं बाएं होती है तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज्ञात है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी दुनिया वहां से बना लेंगे तो सबसे बेहतर हो। लेकिन एक बात है राजा, सुनिए, जब कोरोना काल की प्रोटोकॉल आई थी ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बेहद जरूरी। लेकिन हमारे मंत्र को खोल दीजिए और यहाँ पर काफी सुंदर अपील करी गई थी और हमारी मंत्र है 2 गज की दूरी आपके सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी। 2 गज की दूरी लेंगे क्योंकि ये ड्रामा हाई वोल्टेज हो चुका है और काफी नजदीक से गेंद आ सकती है, आप चोटिल हो सकते हैं। अपने आप को बचें और 2 गज की दूरी को इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और जहां तमाशा बिल्कुल होने लगा जो टीम की ओर से और एक हिदायत है, मैं खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा, आपको पानी में रहना है ना दादा तो फिर मगरमच्छ से बाहर मत करना। कहने का तात्पर्य यह है कि उस इंसान से बच करने से कोई फायदा नहीं जिसके पास हथियार या हथियार भरा हुआ, आपको कभी भी टिकट दिखा सकता। इसलिए रेफरी से बच करने का कोशिश ना करें। आपको पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बच की। आइए फिर एक बार चलते हैं, बिल्कुल मैच इतनी रोमांच में आ चुकी है, आप लीजिए। इन्होंने तो वही किक किया जो अक्सर क्रिकेट में देखा जाता है। तालियां ना मिलकर आपको मिलेगी गालियां, इसीलिए ऐसा किक ना ही करे तो बेहतर होगा। बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति और क्या मैच हो रहा है यहाँ, इसे ही कहते हैं फुटबॉल। आप लीजिए, आप देख सकते हो मैच में कितनी रोमांच पैदा हो गई है। प्लीज जोरदार को मैंने पहले भी कहा है, दादा पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बाहर मत कीजिए, कभी भी निकल सकता है। और उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं जिसके पास सिर्फ हथियार ही हथियार भरा हुआ हो। और विक्रम कृष्णा जी काफी करीब से देश को देख रहे हैं और संचालन भी कर रहे हैं। एक अनुभव रेफरी की गुण उन्हें विद्यमान है। नंबर 21 मौका बनेगी, लेकिन जब तक ही मौका आती तब तक डिफेंसिव हॉकी खिलाड़ी आगे आए और अच्छा क्लियर किया। मौका राकेश अकेले से लेकर आगे बढ़ रहे हैं गेंद के साथ। और लीजिए, मैंने पहले भी कहा था दादा, फुटबॉल ना तो जोश में ना होश में खेला जाता है। बिल्कुल, और कहने के लिए इसके बाद होते हुए मुख्य सभा पहुंचे हैं और कहने के लिए समय के प्रथम तक इसको लाना होगा और कहने के बाद बात होगी। बोल भी मुझे लगता बोल को भी थोड़ा सा बोल बोल बोले इसके बाद ग्रुप सी का जो अंतिम मुकाबला कहेंगे सजाओं का। अच्छे गेल जयराम का संदेश गुड पासेस कहा जाएगा मौका बताओ इस बार सुबह तो ये चलने में कामयाब। समय भी चल रहा है, समय की चर्चा करने के बाद 3:20 हो चुके हैं और साथ में कहीं ना कहीं खुश की बात करें करेंगे। सुबह 5 बजे में कहीं ना कहीं इस काम को पूरा किया, इस काम को पूरा किए हैं और तमाम नाम तक हैं तमाम को सुनाते हैं कि अहम मुकाबला होने वाला है, कभी ना हम लोग इस मैच को ना मिस करें। और इसी तक आज थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा बहुत सारा दर्शकों की काम हो चुके हैं। फिलहाल मुर्मू